इस जर्नी में आप कैसे आए बहुत स्ट्रगल किया बहुत मेहनत की मुझे लगता है कि आज मैं लोगों को कह सकती हूँ कुछ हूँ मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है डॉक्टर ने मुझे कोई गलत इंजेक्शन दे दिया था लोग डिसेबिलिटी को एक छूत के बराबर समझते थे कोई बाजू में बैठ नहीं सकता मैं डिप्रेशन में आ गई उसके प्रेशर में आके मैंने सुसाइड करने की कोशिश की डर नहीं लगा आपको मुझे दूसरों को नहीं खुद की नज़र में उठना था सही एसोसिएशन अगर आपके आसपास आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो जैसे आपकी संगत होगी वैसे आपकी तरक्की होगी स्पोर्ट्स कैसे माइंड में आया सब देखते देखते ना जो बचपन का था ना वो बाद में मेरे स्पोर्ट्स में निकल के आ गया सबसे पहला कौन सा स्पोर्ट्स शुरू किया स्टार्टिंग तो मेरा व्हील बास्केटबॉल से ही हुआ तो ऐसा नहीं लगता यार छड़ो नहीं करना है बहुत लोग बोलते हैं मैम लोग छोटी छोटी चीजों में हार जाते हैं थक जाते हैं उधर ही गिव अप कर दिए तो फिर फायदा क्या हुआ इतना मेहनत करके यहाँ तक आने का लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए बस हम ढूंढते नहीं है देखते नहीं

वेल्दी वुमेन या की जिसमें बहुत सारी ऐसी वुमेन जिन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से पूरी तरह बदल दिया है वो अपनी कहानी और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया हम वो लेके आ रहे हैं न्यूय के साथ मिलके और ये पॉडकास्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए एक नया लेसन बनेगी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सिखाएगी सो तैयार हो जाइए डी कोड विद दीपल के लिए Powered by New York. वेलकम एवरी आज वेल्दी वुमेन या के पॉडकास्ट में हम जिसे लेके आ रहे हैं जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनका नाम है अनुगीता और कितने सारे स्पोर्ट्स में उन्होंने अपने आप को सब लोगों से अलग करते हुए एक मुकाम पाया है आज वो इंडिया की व्हील चेयर बास्केटबॉल की कैप्टन है उन्होंने रेसिंग के अंदर व्हील चेयर रेसिंग के अंदर भी गोल्ड एंड सिल्वर मेडल लिया है टेनिस भी वो खेलती है उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की है थाईलैंड जाके उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स था उसमें भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे और बहुत लंबी लिस्ट है और आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग ये सेशन होगा आगे का क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और सक्सेस तक पहुंचते हैं और अनु उसमें से एक है आज हम उनसे मिलने वाले हैं वेलकम अनु नमस्कार नमस्ते कैसे हो आप मैं ठीक हूँ मैम आप कैसे हो बहुत अच्छी हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू इंडिया के कैप्टन बनने पे थैंक यू मैम सो कैसे इस जर्नी में आप कैसे आए क्या क्या बैकग्राउंड रहा आपका बैकग्राउंड तो मेरा मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है uh, वहाँ पे पहले उस टाइम पे कोई मुझे जानता नहीं था और एक टाइम पीरियड ऐसा था कि मैं खुद को ही ढूंढ रही थी और खुद के लिए एक वजूद होता है ना वो खुद को ढूंढना आसान नहीं होता मैंने बहुत स्ट्रगल किया बहुत मेहनत की और मुझे एक स्पोर्ट्स ने वो एक वैल्यू दिया अपने आप को मुझे लगता है कि आज मैं लोगों को कह सकती हूँ कि मैं कुछ हूँ सो बट ये ये हुआ कैसे जो आज आप स्पोर्ट्स uh, में तो आप बाद में आए बट आई थिंक बॉन्स से uh, ये प्रॉब्लम नहीं था या था बट but... मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है और uh, मुझे चाइल्डहुड में मतलब पाँच से छः साल की एज में पोलियो हुआ था ओके काफ़ी फीवर था और उस में डॉक्टर ने मुझे कोई गलत इंजेक्शन दे दिया था तो oh. उस टाइम पे मुझे पोलियो हो गया इनफैक्ट uh, मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं चला कि मुझे कुछ हुआ है एक महीने तक तो मैं वॉक ही नहीं कर रही उनका बाद में ध्यान गया मुझ पर कि मैं चल नहीं रही हूँ सो so, जब ध्यान गया तो वो मुझे फटाफट हॉस्पिटल लेके भागे और वो टाइम पीरियड ऐसा था कि उनके लिए भी नया था क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को हुआ नहीं कभी डिसेबिलिटी और उनको कुछ आइडिया नहीं था और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके लिए वो भी एक माइनस पॉइंट था बट जब उनको पता चला और वो मुझे लेके गए तो बहुत लेट हो गया था बहुत जगह पे उन्होंने इतना मुझे दिखाया डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ नहीं गए फिर घूम फिर के ल, आगे जाके कोई बाबा ये वो वो सब भी ट्राई किया बट शायद नसीब में कुछ और लिखा था डिसेबिलिटी मेरी तो हो चुकी थी बिकॉज फाइव इयर्स में तो आप अच्छे से वॉक भी पर करते होंगे खेलते भी होंगे hmm. और तब आप एक महीने तक चल नहीं पाए ठीक है चलो आपका जो नजरिया है कि ये भी जो भी हुआ वो भी कुछ यू you नो know, कोई अच्छे के लिए हुआ होगा सैल्यूट करती हूँ आपके इस नजरिए को क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी चीज़ों की मैं लोगों की क्या बात करूं मैं अपनी या हमारी बात करती हूं तो हम भी छोटी छोटी चैलेंजेस में किसी को ब्लेम करने लगते हैं विक्टिम मोड में चले जाते हैं बट आपने उसमें से अपने आप को बाहर निकाला मैम तो अपने आप को निकालना इतना आसान नहीं था स्कूल में बचपन में, में इतना नहीं समझ होती और वो जैसे तैसे जर्नी हो गई स्कूल भी इजी नहीं था uh, मेरे डैड को हम मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हमारे में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना या आगे लेके जाना ना के बराबर ही है इनफैक्ट मेरी दीदी की शादी चौदह साल की एज में हो गई oh. तो हमारे इसमें मुझे पढ़ाने के लिए भी डैड का थोड़ा रेयर सपोर्ट था उस टाइम पे भी स्कूल्स वगैरह में एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे प्राइवेट स्कूल वगैरह तो उन्होंने डिनाई कर दिया था फिर भी आ, मेरी दीदी ने काफी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है जो उसमें ट्राई किया उन्होंने भी मना किया फिर वापस छः महीने के बाद प्रिंसिपल चेंज हुए तो दीदी ने फिर से ट्राई किया यानी स्कूल ने मना किया स्कूल मना, के के मना कर दिया दियाटी uh, का अवेयरनेस आज जितना है ना पहले नहीं था लोग डिसेबिलिटी को एक छूत के बराबर समझते थे कोई बाजू में बैठ नहीं सकता बच्चे या उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमें छूने से उनके बच्चों को भी हो सकता है छोटी 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 ये चीज़ें थी तो स्कूल में एडमिशन जब नहीं मिल रहा था तो मेरी दीदी जी स्कूल में जाने लगी ट्राई करने लगी तो उन्होंने मना किया छः महीने बाद फिर से प्रिंसिपल चेंज हुआ फिर से मेरी दीदी ने ट्राई किया तो उन्होंने मेरा एक लाइटली एग्ज़ाम लिया जो मैंने क्लियर किया क्योंकि मम्मी ने मुझे पहले से ट्यूशन्स वगैरह डाल रखे थे तो वो एक वहाँ पे फ़ायदा हो गया तो उन्होंने ले लिया बट वो स्कूल भी इज़ी नहीं था मैं बिना दीदी के वॉशरूम नहीं जा सकती थी वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं कुछ नहीं खुद से कुछ नहीं कर सकती थी तो एक माँ के बाद मेरी बहन ही थी जिसने एक माँ के बराबर मेरी सेवा की बहुत की मुझे गोद में उठा के स्कूल लेके जाना मुझे वॉशरूम के लिए पूरा पूरा टाइम स्कूल में रुकना अच्छा बहुत देर तक मतलब बहुत कुछ उसने मेरे लिए स्ट्रगल किया मेरी दीदी ने और जैसे तैसे टेंथ तो हो गया टेंथ के बाद और मेरी दीदी की शादी भी बहुत कम एज में हो गई तो हमारे यूपी में गवना होता है बल्कि वो लेट गई तो तब तक मेरा टेंथ हो गया था टेंथ होने के बाद मेरे डैड का ये था कि अब जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है आप घर पे बैठो और अब क्या ज़रूरत है करने के लिए तो मुझे पढ़ना था मेरी मॉम ने भी कहा नहीं तू पढ़ मम्मी ने सपोर्ट किया तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली पढ़ाई बोलते तो ना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना आसान नहीं होता है शुरुआत में लेव में तो कुछ समझ में नहीं आता था ऊपर hmm. से क्लासेस नहीं थे क्लासेस पता किया कि ज्वाइन करना है उसकी फीस इतनी थी कि सोचना पड़ता था कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं फिर क्योंकि डायरेट ने पहले ही हाथ उठा लिया था कि तो फिर उनसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता था तो तभी से जॉब ढूंढने लगी जॉब ढूंढते ढूंढते भी इतना मैंने आर्टिकल्स वगैरह लाइक एडवर्टाइजिंग वगैरह मिड डे में काफ़ी ट्राई किया बहुत जॉब ढूंढी कोई नहीं देता था आफ्टर आपने जॉब देखना शुरू किया। तभी से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे क्लासेस चाहिए थे फीस भरने के लिए आ, कुछ तभी के टाइम पर एलेवन थी मम्मी ने अरेंज करके थ्री थाउजेंड तो दे दिया था फिर आगे का कैसे करना तो उससे भी तो सरवाइव करना था तो जॉब ढूंढने लगी लेकिन डिसबलिटी की वजह से कोई जॉब दे ही नहीं रहा था तो मैं पहले क्रचेस लेके वॉक करती थी तो क्रचेस से भी लोग देखते थे ऊपर नीचे बहुत अनकम्फर्टेबल होता था क्योंकि तो उनका जो ट्रीट करने का होता था ना तरीका बहुत हाँ तो वो थोड़ा बैड होता था कि कोई काम देना ही नहीं चाहता है। I don't know क्यों इंडिया में ऐसा है मालूम है आपको अब अभी भी ये चीजें अभी भी तब तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा होगी अभी भी अगर आप, आप आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह जाते हो तो एवरी सब लोग सेम होते हैं और सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है ये एक हमारे यहाँ पे ये एक जो इशू है आज भी लोगों को उसके आउटलुक से जज किया जाता है वो एक एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू है और इसकी अवेयरनेस करके हमें इसमें से बाहर निकाल निकलना बहुत ज़रूरी है वो तो है मैम इतना आसान नहीं होता और स्पेशली किसी का गाइडेंस ना हो किसी का सपोर्ट ना हो तो ना हो नहीं पैसे भी ना पैसे ना हो पता भी नहीं है कौन से रास्ते चलना है तो कैसे डेवलप करें खुद को तो स्पोर्ट्स में कैसे आए फिर आप मैम स्पोर्ट्स में आने के लिए बहुत टाइम गया 2017 में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया अच्छा तो आपका टेंथ कब हुआ और आप स्पोर्ट्स में कब आए टेंथ कम्प्लीट हुए मुझे भी बहुत टाइम हो गया याद भी नहीं रहा अभी अच्छा तो टेंथ तो हुआ लेकिन उसके बाद ये था कि आगे पढ़ना है तो कैसे सर्वाइव करना है फिर वहाँ पे एक नई जंग शुरू हुई अलग से जॉब ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से एक फ्रेंड मिले उनकी कजन सिम कार्ड एजेंसी वगैरह होती है ना नहीं। पहले बहुत चलते हाँ, थे। तब बहुत था तो उन्होंने मुझे वहां बोला कुछ नहीं तो यही सही स्टार्ट किया से, महीने सैलरी मिली तो कैसे वो, वो आप कैसे मार्केटिंग करने जाते थे वो ही स्टार्ट था Okay. क्योंकि तो सैलरी नहीं मिली फिर दो उसमें भी दो महीने सैलरी नहीं मिली तो बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला okay. तो उस दो महीने में तीन महीने में मैंने जो अपने आप को डेवलप किया ना उसके बेहतर मुझे ऐसी बैंक में जॉब मिल गया फिर अच्छा तो मार्केटिंग लाइन में मैंने इतना एफर्ट डाला इतना काम किया एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि आप मुझे प्रोडक्ट दे दो मैं बेच के मैं आ जाऊँगी तो एक कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था तो धीरे धीरे उसमें काम किया ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया बट लाइफ चल रही है बोलते मैं जी नहीं रही थी हुँ. ये चल रहा था बहुत सी चीज़ें अंदर चल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर टीन एज एज आप समझते हो कि हर जगह भागता है तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए और कुछ प्रॉब्लम्स भी पर्सनल ऐसी चल रही थी कि उससे बाहर आना मेरे लिए मुश्किल था एक टाइम ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में आ गई बहुत टाइम चलता रहा उसके प्रेशर में आके मैंने सुसाइड करने की कोशिश की क्या बात कर रहे हाँ मैंने क्योंकि कुछ कोई बताने वाला ही नहीं था कोई बात करने वाला नहीं था दोस्त नहीं थे ज़्यादा गिने चुने थे तो सबके साथ घुलना मिलना मुश्किल था इनफैक्ट कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना भी है तो सोचना पड़ता था कि मैं जा पाऊंगी या नहीं तो छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी आई और उसमें उस, उस पीरियड में जब मैंने सुसाइड किया तभी भी डॉक्टर्स ने मेरी मॉम को कहा कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है थोड़ा तो फिर अलग डॉक्टर को दिखाया गया वहाँ पे एक महीना ट्रीटमेंट चला तो मेरे भाई को पसंद नहीं आया तो उसने बंद करवा दिया बंद होने के बाद फिर थोड़ा मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया और एक दिन मैंने घर छोड़ दिया हो सुबह पाँच बजे उठी छः बजे बैग लेके निकल गई किधर जाना है क्या कुछ पता नहीं क्योंकि डैड का भी प्रेशर आ रहा था कि बाहर जाना बंद करो घर में रहो अभी और मुझे घर में नहीं रहना था तो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे पैसे थे नहीं जाना किधर है आइडिया नहीं था तो बैग ली और चली गई फिर एक फ्रेंड के घर पे एक हफ्ता रहा डर नहीं लगा आपको कि अब आप कैसे करोगे यू नो एज अन यू नो आप चल नहीं पा रहे हो पैसे नहीं है डिप्रेशन में हो वो तो मैं आप, डर नहीं लगा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो टाइम मेरे लिए मेरे लिए कितना बड़ा फाइट का था मुझे दूसरों को नहीं खुद के लिए एक बोलते हैं ना खुद की नज़र में उठना था और डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना इंसान को बोलते हैं ना उठाते का मैं तोड़ते ज़्यादा और ऊपर से अगर लोगों का नज़रिया और अगर आप एक डिसेबल हो वूमस हो तो आपको घर में कोने में पड़े रहना चाहिए लोगों का थाट है घर वालों का भी था ऐसा एक माम का था सपोर्ट बाकी लोगों में तो मुझे घर में कभी वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट नहीं मिली मैं मैंने बहुत वो टाइम पीरियड ऐसा रहा कि फ्रेंड के पास एक एक हफ्ता रही उसके बाद मैं घर ढूंढने लगी रेंट पे डिपॉजिट वग़ैरह अरेंज किया लोग घर भी नहीं देना चाह रहे थे डिसेबल होने की वजह से अच्छा उसमें भी एक स्ट्रगल रहा तो फिर बहुत मुश्किल से मिला मुझे रेंट पे और वहाँ से स्टार्ट किया जॉब करती रही धीरे 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 अपने आप को भी डेवलप करने की कोशिश की पर ग्रोथ नहीं हो रहा था और डाउन होती जा रही थी फिर कुछ फ्रेंड्स मिले मुझे उस टाइम पे मैंने सोचा अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने एम कॉन ज्वाइन कर लिया ऐसे ही अच्छा पढ़ाई आगे हाँ ग्रेजुएशन होने के बाद तो बिज़ी रखने के लिए मैंने आपको जस्ट ज्वाइन कर लिया तो करने के बाद उस टाइम फ्रेंड्स मिले अब घर वापस नहीं गई बाद में गई में, में गई 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 मैं 2017 कितने साल साल तक नहीं में। में बाहर थी तो उन दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया डिप्रेशन से बाहर निकाला मुझे खुद से फाइट करने की एक ये दिया मतलब यानी सही एसोसिएशन अगर आपके आसपास आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो और वही अगर गलत लोग आपके आसपास हो तो मैम कैसा होता है ना जैसी आपकी संगत होगी वैसे आपकी तरक्की होगी ये है तो मेरे दिमाग में भी बाद में मुझे भी ये समझा कि जैसे आपके दोस्त होंगे ना वैसे ही आप आगे जा सकते हो ये एक चीज़ है बहुत है लाइफ में इम्पोर्टेंट दोस्त दोस्ती या दोस्त फ्रेंड्स जो सर्कल होता है ना बहुत अलग होता है हम जो पेरेंट्स से जो फैमिली से नहीं शेयर करते वो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक समझते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो जितना पॉसिबल होता है उतना सपोर्ट करते हैं मुझे भी उस टाइम पे वो सपोर्ट मिला मैं डिप्रेशन से बाहर आई फिर जॉब छोड़ दिया फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बिजनेस कर तेरा माइंड बहुत अच्छा है अच्छा तो पैसे तो थे नहीं तो उन्होंने सपोर्ट किया थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे भी लॉस हुआ मुझे लॉस हुआ तो टेंशन क्या बिजनेस शुरू किया आपने वुमेंस गारमेंट्स का होलसेलर पे शुरू किया था पहले मलाड में स्टार्ट किया एक छोटा सा रेंट पे लेके पाँच हज़ार के रेंट पे मुझे एक गाला मिल गया तो वो स्टार्ट किया बहुत साल तक वो करती रही एक दो साल तो उसमें भी लॉस में थी क्योंकि उसमें भी सब लोग पेमेंट बाद में करते हाँ, दो तो दो, दो तीन महीने तक पेमेंट तो वो बहुत इश्यूज हो रहे थे तो सबने बोला कि नहीं तू तो शॉप चालू कर शॉप चालू करने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए तो भी दोस्तों ने किया छोटे से स्टार्ट किया पहले तो मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाती थी मेरे फ्रेंड्स संभालने में हेल्प करते थे इन mm. एक फ्रेंड ने तो अपना दस साल का जॉब छोड़ दिया मेरे लिए mm. मुझे डेवलप करने में में बहुत सच में लोग ब्लेस्ड होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं uh, मैम आज हमारे फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट में कंट्री में है पर जब भी लगता है मुझे प्रॉब्लम्स है ना सब आते हैं मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन मैं भी हूँ कि जब तक पानी मेरे सर के ऊपर ना जाए तब तक मैं फोन नहीं करती उनको तो खुद कोशिश करती हूँ कि खुद से खुद सब कर लूँ दो हजार सत्रह में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया ना तो, पर वो कैसे स्पोर्ट्स कैसे माइंड में आया क्योंकि यहाँ तक की जर्नी में तो आपके दिमाग में कहीं स्पोर्ट्स नहीं था बचपन में कैसा था स्कूल में सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं एक टेबल पे ही बैठी हूँ बस उनको देख सकती थी उनके साथ खेल नहीं सकती हाँ इनफैक्ट उस टाइम पे तो मैं आ, टेबल भी शेयर नहीं कर सकते थे कि हम टिफिन शेयर कर सके क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स उनके अलाउ नहीं करते थे मेरे साथ बैठना तो मैं सेपरेट एक अलग ही बैठती थी मोस्टली तो वो सब देखते देखते ना जो बचपन का था ना वो बाद में मेरे स्पोर्ट्स में निकल के आ गया अच्छा तो जो आपको इतने टाइम तक जो कहते हैं ना कि आ, कोई चीज़ में अगर आपको सप्रेस किया जाता है किया जाता है किया जाता है तो फिर एक टाइम आता है जब आप इसको ही अपनी स्ट्रेंथ बना के बाहर निकलते हो एग्जैक्टली आपने यानी आपने अपनी नेगेटिव जो जो चीज़ें आपके साथ हुई उसको आपने पॉजिटिव बना के दो हजार सत्रह में, में रवि उत्तराखंड से, अच्छा। से थी तो उन्होंने बताया कि बॉम्बे में टीम स्टार्ट हो रही है जाओ देखो तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि ऐसे कंडीशन में अगर खेलती हूँ तो लोग मजाकी उड़ाएंगे और कुछ और इंजरी हो गई तो फिर तो वैसे कोई नहीं देख रहा और कौन देखेगा तो वो एक टेंशन था बट uh, उसने नहीं मुझे गाइडेंस किया काफी कि जा देख एटलीस्ट देख तो सही तो मैं गई एक दिन कोचेस थे अलग अलग डिसेबिलिटी के कुछ लोग थे मैं वुमेंस तो उनको देखा सबको सब, सब आए थे खेलने के लिए पर खेलना कैसा पता ही नहीं मैंने इनफैक्ट मैंने मेरी पूरी लाइफ में विल्चर यूजर को कभी खेलते नहीं देखा या किसी डिसेबल को स्पोर्ट्स में नहीं देखा क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है इनफेक्ट मैंने पहली बार आप लोगों को जब मैं मिलने आई थी जहाँ पे आप लोग खेल रहे थे सो मैंने खुद ने पहली बार आप लोगों को जब देखा तो यानी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए एंड जिस हिसाब से आप खुशी खुशी हंस के एक एक चीज़ों को इन्जॉय कर रहे थे सो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में रोते रहते हैं लुक एट दैम सो वहाँ पर फिर आपने व्हील चेयर सबसे पहला कौन सा स्पोर्ट्स शुरू किया आपने स्टार्टिंग uh, तो मेरा विल्चर बास्केटबॉल से ही हुआ वो टीम गेम है तो मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स का ज़ीरो नॉलेज था उस टाइम पे कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ आगे बढ़ना है इसमें ज़्यादा जाद से ज़्यादा क्या ग्रोथ होगा क्या फ्यूचर होगा कुछ पता नहीं uh, रवि ने गाइडेंस दिया मैं चली गई मैंने देख लिया कुछ इसने बता दिया कि हाँ आपको ऐसा ऐसा विल्चर पर खेलना है तो ओके ओके सर ठीक है हमने स्टार्ट कर लिया उस टाइम पे हमारा कंडीशन सब पे ऐसा था कि हमारे पास एक नॉर्मल विलचर्स तक नहीं होती थी ढंग की अच्छा और आज के टाइम में स्पोर्ट्स विलचर पे खेलना एक बेसिक व्हीलचेयर भी फोर्टी फाइव थाउजेंड की है और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो उसकी कीमत पाँच से छः लाख की पर व्हील और वो भी इंडिया में कस्टमाइज नहीं होते वो फॉरन में मिलते हैं यूके वगैरह यूएस में अच्छा पर उनकी प्राइस इतना है कि कोई एक प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस टाइम पर हम जब खेल रहे थे दो में हमारे पास ग्राउंड भी नहीं था ना बास्केटबॉल ना व्हीलचेस थे खेलने के लिए हम नॉर्मल विलचेस किस किस के थी हम जहाँ प्रैक्टिस करते थे ना मुंबई रि डिसेबिलिटी का उसके बैक साइड छोटा स्पेस होता था बास्केटबॉल का तो उन्होंने परमिशन दे दिया तो हम हॉस्पिटल की विलचर को ही यूटिलाइज करते थे खेलने के लिए ओहो तो आप जानते हैं कि आपने शायद देखा होगा कि हॉस्पिटल की विल्चर कैसी होती है एग्जैक्टली वो exactly? तो हैंड होता है और ऐसा पुश करना होता है तो वो ईजी नहीं है और खेलना तो दूर की बात है और उस पर तो काफ़ी बार गिर जाते हैं मैं बहुत बार गिरी बहुत बार उठी फिर धीरे धीरे 2017 का नेशनल आया हमने हैदराबाद में मैंने खेला परफॉर्म किया एक भी मैच जीते नहीं एक भी नहीं बट एक्सपीरियंस बहुत मिला जो वो पहली जर्नी थी ना हमारे टूर्नामेंट्स की सारे मैचेस हार गए उस एक मैच में के दौरान मैं गिर भी गई थी दो मिनट के लिए ऐसा लगा बेहोश भी हो गई अच्छा तो वो थोड़ा शॉकिंग था कि अगर मैं ऐसा गिरूंगी और डर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा तो और ज्यादा फिर आने के बाद मैंने उस पर काम किया मेहनत किया कि गिरना है तो क्या खुद तो किया? कैसे किया अ कैसा है ना इस... मैच के दौरान अगर आप मैम गिरते हो तो जब तक बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कैसे हाँ, आपने अपने आप को उठाया इसमें से बाहर डर के सामने ओ, कैसा है ना मैम उस टाइम पे जब मैं गिरी थी ना तो बेहोश हुई मुझे बेहोश होने का डर नहीं था मुझे ये था कि मेरे पांच प्लेयर ही है ऑन ग्राउंड मेरी हाँ, टीम के हाँ। अगर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी अगर गिरता है तो चार एक कम पड़ जाएगा हुँ। और उस ब्याह पे अगर मैं बाहर जाके बैठती हूँ तो नुकसान मेरी टीम का अच्छा तो मुझे वो डर वो नहीं करना था मैंने आने के बाद प्रैक्टिस किया इनफैक्ट हमारे कैंप भी चल रहा था उस दौरान एक लड़के मतलब जो अलग अलग डिसेबिलिटी के थे महाराष्ट्र का एक लड़का था वो आया था बता रहे थे कि वो लोग भी गिरते है कैसे Hmm. तो उनके तो फिर भी पैर के मोमेंट थे हमारे नहीं थे कि कैसे उठना है तो मैंने वो ऐसा प्रैक्टिस किया थोड़ा प्रैक्टिस किया धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अब ऐसा होता है कि मैच के दौरान अगर गिर गया तो खुद उठ के भागते भी so, एक दूसरे की हेल्प से तो तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने प्रैक्टिस से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाया हाँ। मैम सोचना है ना अगर मैं कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा वो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो आप कैसे उसे लेते हो तो जब आप गिरते हो मैंने उस दिन भी मैं देख रही थी कि बार बार आप लोग गिर रहे थे तो जब आप गिरते हो तो डर डर के बारे में नहीं सोचते हो आप ये सोचते हो कि मैं फटाक से खड़ी कैसे कैसे हूं? हो जाओ राइट right, यानी आप आप अपने आप को आप, उस टाइम विक्टिम मोड में नहीं ले जाते हो आप अपने को स्ट्रेंथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हो हाँ। आ, वो कंप्लीट होने के बाद ना वो मुझे देख के ना और भी लड़कियों ने इतना प्रैक्टिस किया ना वो भी कोशिश करते अच्छा, वो भी उठते। अच्छा, 2019 के आ, हमारे जो कैंप थे एक महीने मे, एक का कैंप था चेन्नई में वहां पे जब मेरा ये वीडियो इतना वायरल हुआ ना तो वहाँ पे लड़कियां मुझे आके पूछती थी कि अनु आपने कैसे किया मुझे बताओ मुझे भी सीखना है मुझे भी अभी वो ऐसा नहीं होना है खुद उठना है तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि लोग काम करते हैं आपको पहली बार लगा कि मैं खुद अपने आप के लिए कुछ कर रही हूँ हाँ।, हाँ और मुझे कि एटलीस्ट लोग देख के खुद के लिए भी तो कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ बहुत अच्छा लगा कर्नाटक का प्लेस थे जो पहले थोड़ा बहुत वॉक भी करते लेकिन गिरते थे ना तो वो वेट करते थे सर लोग आएंगे उठाने के लिए अच्छा पर अब वो भी उठ के भाग जाते हैं तो अच्छा लगता है अगर हम एक नया चीज़ बनाए मतलब हमारी चीजों को लोग फॉलो करें या हमारी चीज़ों को लोग समझे उस हिसाब से मोटिवेट के हिसाब से ले तो वो बहुत अच्छा लगा। सॉरी 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 आपको डिस्टर्ब किया बीच में बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो वेल्दी वुमेन एपिसोड है ये सीरीज पावर्ड बा न्यू युग आज का पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नीड चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके हो चाहे पर्सनल ग्रोथ को लेके हो चाहे वो यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू योर ग्रोथ स्टोरी आप वो सब चीजें न्यूयॉर्क के थ्रू सीख सकते हैं जान सकते हैं सो जरूर आप न्यूयॉर्क की वेबसाइट पे जाइए और जानिए न्यू यॉर्क क्या है थैंक यू एज अ वुमेन आपको स्पोर्ट्स में जब आप गए Uh, तो कौन से चैलेंजेस वहाँ पे आई है आपको मैम सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियली नहीं है दूसरा कोर्ट तीसरी स्पोर्ट्स वेल्चेर ये सबसे बड़ा हमारा स्ट्रगल uh, है uh, कैसा है कि शुरुआत में हम कोर्ट के लिए अगर ढूंढते हैं ना तो हम पे नहीं कर पाते क्योंकि तो सबकी इनकम का उतना है नहीं आज भी बहुत सारे लोग जॉब पे नहीं है क्योंकि तो एजुकेशन नहीं है किसी का किसी का थोड़ा एजुकेशन है तो किसी के पास जॉब नहीं है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट फिर भी हमारे एसोसिएशन हमारे जो कोचेस हैं जितना डेवलप कर सकते उतना करने की कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट मैं खुद भी काम कर रही हूँ ताकि मेरे टीम में मेरे साथ जो प्लेयर्स है उनको लेके मैं आगे बढ़ सकूँ सो so, आपकी टीम में जितनी भी प्लेयर्स है जो वुमेन हैं उन वो जब डिसेबिलिटी में गेम खेलने जाती है तो कुछ चैलेंजेस होती है ना जो स्पेशली वुमेन को होती है यू you नो know, वो कैसे उससे आप आप लोग ओवरकम होते हो uh, सबसे है क्योंकि हूं? आप मैं देखती मेल के साथ यानी बहुत सारे उस दिन मैंने देखा था इवन मेल भी आपके साथ खेल रहे थे एंड सो वुमेन की uh, आपकी व्हील की पूरी टीम होती है या कैसे आप जब नेशनल में खेलते हो तो कैसे होता है uh, uh, महाराष्ट्र टीम है okay. और मेंस की भी टीम है जो oh. पी में मतलब पुणे में है, में है uh -huh. और जो मुंबई में है इस वक्त प्लेयर्स उनको हम अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं ताकि वो भी परफॉर्म कर सके खेल सके उनको भी एक मौका मिले uh -huh. uh, मुझे ऐसा लगता है कि भले कुछ लोगों को अलग अलग स्टेट से खेलने मिल रहा है महाराष्ट्र से नहीं बट मैं सोचती हूँ कि अगर वो थोड़ा और मेहनत करे तो स्टेट की जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना फ्यूचर में तो उस पर काम करें क्योंकि हर जगह पे सेम प्लेस पे सबको चांस नहीं मिलता आपको उतना एफर्ट डालना उतना प्रैक्टिस करना, करना है उतना ग्रोथ करना है गेम को तो ही आपको वो जगह आप बोलते ना डिजर्व कर पाओगे या तो हासिल कर पाओगे सो एज अ इंडिया टीम कैप्टन लीडरशिप भी तो चाहिए ना इतने सारे लोगों को संभालने के लिए बिकॉज ऑलरेडी जब आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिसकी डिसेबिलिटी है तो वो भी मेंटली भी वो बहुत सारी चीजों से लड़ रहे होंगे सो so, वहाँ पे आप कैसे अपने लीडरशिप का रोल निभाते हो कैसे करते हो सबको मैनेज करने के लिए वहाँ पे मैम सच कहो तो इतना आसान नहीं है एक तो कम्युनिकेशन इशू सबसे बड़ा है साउथ के कर्नाटक के किसी को हिंदी नहीं आ रही है किसी को इंग्लिश नहीं है इंग्लिश तो ना के बराबर ही है हमारे टीम में बट हिंदी भी नहीं आ रही है ना मैम तो हमारा उनके साथ कम्युनिकेट करना ऑन ग्राउंड उनके साथ बात करना गेम को आगे बढ़ाना इजी नहीं होता अच्छा बात यानी उस टाइम तो पे कि वे बॉल इधर ले जाओ या ये करो, हाँ। करो वो बोलने में प्रॉब्लम आती है है होती बिकॉज हमारा प्रैक्टिस ही नहीं है साथ में अभी इंडिया टीम में अभी थाईलैंड में जनवरी में मैं गई थी टूर्नामेंट्स खेलने के लिए उसके जब हमारा नेशनल खत्म हुआ नवंबर में तो हमारे पास टाइम पीरियड एक महीने का ही था हाँ। उस बीच में हमें फंड ढूंढना था ग्राउंड अरेंज करना था एक महीने का रहना खाना पीना वो प्लेस ये था ताकि हम वहाँ पे रह के प्रैक्टिस कर सके सो इंडिया इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी फंड वो लोग अरेंज नहीं करते हैं आपके लिए। हमें तो प्राइवेटली ढूंढना पड़ता है ऐसा पर्टिकुलर गवर्नमेंट से मिल रहा हो ऐसा तो अभी तक मुझे नहीं मिला है अच्छा। आ, हम जो स्पॉन्सर ढूंढते हैं उनके थ्रू ही जो एसोसिएशन अरेंज कर पाती है वो करती है आ, ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे क्लब्स है जो खुद से आते हेल्प करने के लिए Uh, महाराष्ट्र में आप देख लो मुंबई में रोटरी क्लब कितना काम कर रहे हैं mm. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज रोटरी क्लब जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है बट मुझे अच्छा लगता है कि वो रोटरी क्लब या जो लाइन्स क्लब या जो भी एन वर्क कर रही है आज के टाइम में वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है एटलीस्ट mm. कुछ ना कुछ खुद का ग्रोथ करने में सी एस आर फंड ये वो लाने की कोशिश कर रहे हैं आज मैं के लिए फंड ढूंढ रही हूँ तो उन्हीं को अप्लाई करने का सोच रही हूँ तो ईजी नहीं है सो so, आपको फंड भी देखने होते हैं टीम अलग अलग जगह पे है तो उनके साथ कम्युनिकेशन इश्यू भी है और टाइम भी आपके पास उतना नहीं होता है। क्योंकि एक जगह मिलके सब लोगों को खेलने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना वही और हर अलग अलग जगह से आके तो, तो ये... कैसा है कि पंद्रह दिन बीस दिन के ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता एटलीस्ट एटलीस्ट छ महीना एक एक साल की प्रैक्टिस साथ में से तो ही वो हम उस वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं तो ही इंटरनेशनल मेडल अचीव कर पाएंगे नहीं तो हम हम जितना अभी हम बॉम्बे में हम जो इंडिया प्लेयर है बॉम्बे में चार है तो वो जितना एफर्ट डाल सकते डाल सकते बट बाकी के भी तो आठ प्लेयर्स होंगे ना वो भी तो चाहिए वो भी तो डेवलप करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा है कि हमें साथ में हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो ये सब होने से आप डिमोटिवेट नहीं होते हो तो ऐसा नहीं लगता यार छड़ो नहीं करना है बहुत लोग बोलते हैं मैम क्या कर रहे हो क्या मिल रहा है आपको हाँ वो नहीं होता आपको कभी क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों में हार जाते हैं थक जाते हैं भाई मैम अगर उधर ही गिव अप कर दिए तो फिर फायदा क्या हुआ इतना मेहनत करके यहाँ तक आने का एक जो सपना है इंटरनेशनल मेडल लाना अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना आसान नहीं है मुश्किलें तो आएंगी आनी ही है उसके बिना रास्ता भी इजी नहीं होगा ना तो चलना तो खुद ही है मैं जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ नहीं था ना विलचे सीना ही पैसा था ना लेकिन धीरे धीरे हमने ग्रोथ किया महाराष्ट्र वुमन्स ने दो में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता और उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टॉप स्कोर रही मैं उसमें फाइनल मैच में 2019 में भी हमने गोल्ड मेडल जीता सो आपके आपकी मेहनत यानी वॉट एवर अचीवमेंट आपने जो जो किया है आप अपना फोकस वहाँ ज्यादा रख रहे हो बल्कि उसमें नहीं कि कौन सी चीजें नहीं हो रही है क्या चीजें अच्छी हुई उस पर आप फोकस करके वहीं से आप अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करते हो कि कल तो कुछ नहीं था आज चलो कम से कम हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं राइट right? so, सो और और कहते हैं ना कि वो आ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ होप है ना वहीं पे सब कुछ आ, वो आगे बहुत सारी चीज़ें उसी के सामने दिखाई देती है तो कैसा है ना मैम मेहनत करते जाओ रास्ते बनते ही बनते हैं ये मुझे भी पूरा यकीन है मैंने शुरुआत में जो दो सालों में 2017 से दो हज़ार जो मैंने मेहनत की ना उससे रास्ते आज बहुत खुले हैं उससे मैंने मेरे साथ जो नए प्लेयर्स आए थे मैं उनको ग्रोथ करने में एटलीस्ट मेरा वो एफर्ट डाल रही हूँ तो वो भी आगे बढ़े अनु मुझे ये बताओ ना कि आप लिविंग के लिए क्या करते हो चलो ये तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो आप ये ये तो आप सब कुछ कर रहे हो बट आज इंडिया के स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे आर लाइक मल्टी मिलियनर ओके और प्रोस्पेरिटी बहुत है उनके पास सो फॉर मनी वाइज किस तरह स्पोर्ट्स ने आपकी लाइफ को चेंज किया मैम जब मैं बिजनेस कर रही थी काफी बेटर था हुँ. चल रहा था एटलीस्ट खर्चा निकल जाता था खुद का हुँ. मेरी ज्यादा नहीं है कि मुझे ये चाहिए आईफोन चाहिए सब कुछ नहीं है हुँ. कभी नहीं रहा और मुझे जितना मिलता है उतने में मैं खुश हूँ अगर मुझे एक रुपया भी मिल रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ आठना मेरे फ्रेंड्स को या जिसको हेल्प कर सकूँ उनको करूँ तो मेरे लिए उतना इन, इनफ था और आ, मैंने इन बिज़नेस में भी ग्रोथ किया काफ़ी अच्छा uh, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था उसको डेवलप किया काफ़ी फाइनेंशियली मतलब इनफैक्ट एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि मैंने आ, खुद के पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की मेरे डैड हॉस्पिटल में थे तो उससे भी मैंने करने की कोशिश की तो दो के आ, मैं टेनिस का टूर्नामेंट खेलने गई थी 2017 से 2018 के बीच में मेरे डैड काफ़ी बीमार पड़ गए तो और जब मैं मैच जीत के आई या जब मैं ट्रॉफी लेकर आई तो वो जा चुके थे ओ। तो उस टाइम पे मैं उनको मिल नहीं पाई और जब मेरा ग्रोथ हो रहा था वो चले गए मतलब मैं अपनी एक वैल्यू अपना एक जो रिस्पेक्ट होता है ना जो समाज में मैं अपनी एक पोजिशन बना रही थी वो देखने का टाइम आया तो चले गए जबकि पूरी जिंदगी वो मुझसे नाराज़ रहे हमेशा पूरी यानी आप जब स्पोर्ट्स खेलने लगे तभी भी वो नाराज थे आपसे स्पोर्ट्स के टाइम पे तो वो बीमार पड़ गए अच्छा उनके वो पहचानते नहीं थे थोड़ा ब्रेन का उनका ट्रीटमेंट हुआ उन पर फीवर इतना चढ़ा कि वो पहचान ही नहीं पा रहे थे एक साल उनका ट्रीटमेंट चला जो धीरे धीरे ठीक हुए तो ठीक हो रहे थे दीदी ने हॉस्पिटल में बोला जिसे आप नालायक समझ रहे हो तो आज वही कर रही है तो मेरे डैड को तभी फील हुआ उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा ठीक होने मैं करूँगा मैंने बोला कि नहीं अब जब करना था वो हो चुका मैं खुद का खुद कर लूँगी अब आप, आप आपका आराम करने का टाइम है वो करो मे से जो हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगी आपके लिए अपने लिए घर के लिए जो भी तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने हर जगह एफर्ट नहीं डाले डाले जितना था उतने में भी डालने की कोशिश की फिर लेकिन वो इतने साल उन्होंने मुझसे जो बात नहीं किया तो वो मुझे हमेशा खला कि हमारे घर में लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते दे थे लड़कियों को नहीं दीदी की तो पहले शादी हो गई थे तो वो अपने अपने घर चले गए मैं ही घर में अकेली थी तो ना तो भाई लोग अच्छे से ट्रीट करते थे ना डैड का कोई रिस्पॉन्स था थोड़ा फील होता था कि तब ऐसा लगता था कि डिसेबल हूँ शायद इसी वजह से और हड़जड़ हो रही है तो वो एज में जो समझा वो समझा बट बाद में बड़े होने के बाद मुझे मैंने कभी उनसे कोई उम्मीद नहीं रखा ना मांगा ना डिमांड किया खुद से जितना हुआ खुद से सब किया सो so, अभी कैसे अभी क्या स्पोर्ट्स में आने के बाद आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई क्या चेंज लग रहा है आपको स्पोर्ट्स uh, में आने के बाद मैम ये रहा कि मैंने अपनी जगह समाज में बनाई है अपनी एक जगह घर में बनाई है आज लोग बुलाते पूछते उस टाइम इतने फ्रेंड्स नहीं होते थे आज खुद सामने से जिनसे मैं बोलते ना पुराने फ्रेंडशिप भी तोड़ चुकी वो भी आज कांटेक्ट करते तो जिन्होंने कभी इज्जत नहीं दिया कि, जिन्होंने कभी साथ में नहीं, नहीं बिठाया वो वैल्यू नहीं दी घर में भी वही था भाई लोग का बोलते ना उनका इग्नोर करने का तरीका है वो अभी लोग मीडिया वाले आते इतने इंटरव्यूज हुए इतने मेडल्स जीते तो अब वो वैल्यू मिलती है घर पे थोड़ी तो फिर भी मैं उनसे उम्मीद नहीं रखती हूँ मैं खुद का खुद ही कर रही हूँ वो भी बड़ा भाई भी अभी थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करता है कि मैं और आगे बढ़ू तब तो उसको मुझसे उम्मीद है कि घर का माहौल शायद मैं चेंज कर सकूँ घर के लिए अच्छा इनफैक्ट बीच में मम्मी ने भाई से कहा था कि तुम लोग कुछ करो नहीं तो आगे कैसे करोगे क्योंकि दोनों भाई को एक एक लड़की है तो तुम्हें आगे का देखना है तो वो बोलता नहीं मेरी बहन है ना गीता वो देखेगी ना हम लोग को यानी एक टाइम पे जो घर में जो लोग आपको ये मानते थे कि एक यू you नो know, कोई काम के नहीं है आज वो ही लोग आपको देख रहे हैं इंस्पिरेशन के तौर पे अपने बच्चों को वो आपकी तरह बनाना चाहते हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट okay, है ये मेरी भाई की बच्ची दीपशिका एक इंटरव्यू हुआ था बीबीसी न्यूज का तो उन्होंने जस्ट इंदु ने मैसी पूछ लिया था कि बेटा आपको क्या करना है पापा क्या करते हैं आपको पापा जैसे बनना है क्या करना है फ्यूचर में उसने कुछ नहीं बोला उसने सीधा बोला मुझे बुआ की तरह बनना है <laughs> सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये और वो जब सिर्फ छोटी थी 5 साल 6 साल में कितने बच्चे समझोगे कम हो गए पर उसने ये लाइन बोले ना मुझे बहुत ये लगा कि इतने छोटे बच्चों को भी समझ होती है बहुत समझ होती है और वो कोई भी चीज़ें पॉलिटिकली सोच के जवाब नहीं देते हैं नहीं। वो सच्ची बात बताते हैं जो उनके दिल में आती है तो यानी ये ये आपका खुद का बहुत हार्ड वर्क है मैं कहना चाहूँगी या फिर आ, आ, हर चीज को हर पॉजिटिव वे से देखने का जो आपका नज़रिया रहा उसने आज आपको मैं कह सकती हूँ कि जीरो से हीरो बना दिया हीरो तो अभी बनी नहीं मैं मंजिल बहुत दूर है सिर्फ शुरुआत हुई है और मेरा एक ही है कि मैं अकेले आगे ना बढूं मेरी टीम में जितने हैं मेरे जितने सारे आगे भी और भी जुड़ेंगे उनके लिए भी बट अगर मैं उस लेवल पे खुद कुछ बनूंगी तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी तो कोशिश वही है कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंचूं सपना तो एक ही है कि कि देश के लिए मेडल लाना है एक मेडल भी आया तो भी खुश हूँ कुछ अच्छा हो सके तो एक और मन है कि कहीं पे अच्छा बड़ा प्लेस लेके एक ऐसा घर बनाओ कि जिनके घर वाले उनको नहीं रखना चाहते मैं उनको वहाँ रखूँ और उनको भी स्पोर्ट्स में खुद ना खुद मतलब ना खुद पे डिपेंडिंग होने की कोशिश करा हो मतलब वो खुद से कुछ करे दूसरों के आगे या फैमिली के आगे उनको हाथ फैलाना किसी पर डिपेंड रहना वो मैं मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग वैसा कहो या वैसे आगे कोई रहो सो so, जो आपके साथ हुआ है वो और लोगों के साथ ना हो ना हो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहती है जहाँ से और लोगों की जिंदगी में आप एक बदलाव लेके आए सो यू नो ये जो हम वेल्दी वुमेन या जो हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए वो उसी के ऊपर है जो सीरीज है कि किस तरह you know, कैसे एक जिसको कोई समाज में नहीं पूछता था आज उन्होंने किस तरह अपने अपना एक, एक मुकाम बनाया है बड़ी बड़ी चैनल्स आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए तो तब आपके घर के लोगों का भी थाट प्रोसेस क्या होता होगा स्टार्टिंग में मैम सब खुश ही थे, थे इंटरव्यूज होते थे बट अभी बोलते हैं अब घर पे नहीं बुलाना घर पे मत बुलाना अच्छा <laughs> यार एक्चुअली छोटा है हाँ और अगर जब शूट होता है तो एक दो लोग नहीं आते पांच छह लोग आते हैं हाँ। फिर ये सामान वहाँ सेट वो सामान ये सेट तो वो भी एक दिक्कत होती है क्योंकि मैं चौल में रहती हूँ तो वहाँ पर भी सर्वाइव करना ईजी नहीं होता है घर छोटा है तो व्हील भी मुझे बाहर रखना पड़ता है मैंने एक बॉक्स बनाया उसमें रखती हूँ तो घर में तो फिर बैठ के ऐसे ही काम चल जाता है तो होता है और अभी फिलहाल आगे बढ़ना है एक ये कि फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके किसी दूसरों के लिए वो आपका एम है सोनू जितने भी लोग डिसेबल हैं चाहे वो स्पोर्ट्स खेलते हैं या नहीं, नहीं। खेलते हैं आप उनको और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरा एक ही कहना है उनको घर पे ना बिठाए एक शो पीस ना बनाए उनको खुद कुछ करने दे, एक खुद पे डिपेंडिंग इंसान बनाए ताकि किसी के सामने ना हाथ फैलाना पड़े और ना ही पूरी लाइफ किसी पे डिपेंड होकर जीना पड़े क्योंकि पेरेंट्स आज है कल नहीं रहेंगे तो उन्हें कौन सा मिलेगा और अगर इंसान खुद कुछ बन गया तो वो पूरी लाइफ अपने आप से मैनेज कर सकता है एक टाइम पीरियड ऐसा था ना मेरा भी मैं अकेले बाहर जाने को डरती थी फिर जॉब ढूंढने लगी अकेले कैसे होगा कैसे रहूंगी घर छोड़ दिया तो मैं भी डरती थी मेरी मॉम तो उससे ज़्यादा डरती थी अभी तो मम्मी छोड़ देती जा घूम के तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक खुद से नहीं एफर्ट डालेंगे ना हम ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स का एक है वो इमोशनली होते वो बांध के रखते हैं वो कभी फ्री नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं तू तो जा यहाँ चली जा वहाँ जा कुछ नहीं उनको डर लगता हाँ। है ना कि गिर गए ये हाँ। हुआ वो हुआ तो लेकिन गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे मैम वो भी तो ज़रूरी है ना हमारे लिए उठनियाँ है तो भी गिरना ही पहले ज़रूरी है तो ही हम उठने की वैल्यू समझते हैं नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहेंगे ना कि हाँ पेरेंट्स सारे उठाएंगे नहीं हमें ऐसे अपने आप को बनाना ही क्यों है मुझे वो नहीं समझ में आता बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है पर वो डिपेंड हो गए खुद से कुछ लेते नहीं खुद से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इनफैक्ट कोई मेरे ऐसे फैंस में रहते हैं और वैसा कभी कोई पुश करता है ना तो मैं चिल्लाती हूँ खुद पुश कर सर तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई करे आज मुझे भी कोई अगर सहारा देगा तो मुझे साथ चाहिए सहारा नहीं चाहिए तो मैं वही चाहूंगी कि वो भी अपने आप को वैसा बनाए एटलीस्ट आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को साथ देना चाहिए सहारा बनने से ज्यादा साथ की जरूरत होती है आप लोगों को यही बात है। uh, क्योंकि साथ मिलेगा ना तो इंसान पर्वत भी चढ़ जाएगा फिर अगर आप सोचोगे पहले कि नहीं कर सकते तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे सो so, कोई एनी वन इंसिडेंस जो आपको लगता है ये जब आप सब चेंज कर रहे थे अपने आप को फियर से बाहर निकल रहे थे कोई एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको अभी भी याद आता है तो आपके रूटे खड़े हो जाते हैं मेरी लाइफ का जो आ, मैंने आपसे शेयर किया अभी कि मैंने सुसाइड किया था मैंने एक महीने में तीन बार सुसाइड किया था और तीनों बार कुछ नहीं हुआ सिर्फ हॉस्पिटल में थी पैसे गए जो गए हॉस्पिटल में मैं बार बार सोच रही थी मैं इतना एफर्ट डालने के बाद इनफैक्ट मैंने एक बार फिफ्टी मेडिसिन ले ली थी स्लीपिंग पिल्स जो थर्टी लेने के बाद भी इंसानी बचता मैं थी डॉक्टर ने ये खुद कहा कि इतना लेने के बाद कोई नहीं बचता तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ और लिखा है ऊपर वाला चाहता है कि आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन बने रहो और उस दिन मैंने भी डिसाइड किया मेरी दीदी ने हॉस्पिटल में मुझे आया और उसने समझाया कि देख तू और दो तीन बार कर ले तुझे कुछ नहीं होगा अच्छा हाँ, ऐसा बोला पूरा डेरिंग से दीदी ने बोला तू कर ले कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरे को जिंदा रहना है तेरे नसीब में लिखा है तो मैंने भी एक्सेप्ट किया हाँ मेरी लाइफ में शायद कुछ और लिखा है फिर उसके बाद से मैंने कभी कोशिश नहीं की और फिर स्पोर्ट्स जैसे जैसा स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ में मुझे एक जीने की वैल्यू दी है मैंने खुद को खड़ा किया उतना बढ़ाया अभी भी स्ट्रगल चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँची बट एक रास्ता मिल गया मुझे सो so, जैसे जैसे स्पोर्ट्स आप खेलते गए वैसे वैसे डर आपके अंदर से दूर जाता गया एंड और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट होना मैम अभी मैं, मैं डरती नहीं हूँ लोग मुझसे डरते अच्छा <laughs> बहुत बढ़िया देखो एनी रोल मॉडल्स जो आपके रोल मॉडल्स आप जिससे आप इंस्पायर होती हैं आपको सच का हो तो मैं किसी को रोल मॉडल नहीं समझती फिलहाल हाँ मैं लोगों की स्टोरी सुनना पसंद करना मूवीज जो आती है वो सब देखना अच्छा लगता है मुझे वो समझ में आता है कि उन्होंने जो गलती है कि मुझे वो नहीं दोहरानी है अच्छा। तो मैं गलतियों से सीखने की कोशिश करती हूँ मैंने आज तक किसी को रोल मॉडल या किसी को देख के इंस्पायर नहीं होती हुँ। हाँ। मुझे लगता है कि मुझे खुद एक इंस्परेशन बनना चाहिए लोगों के लिए तो मैं उस पर ज्यादा काम करूँ तो अच्छा है अभी लोग शाहरुख खान को फॉलो कर रहे फॉलो करने से वो थोड़ी ना शाहरुख खान बनने वाले खुद <laughs> सही बात है वो तो ठीक है वो है उनका मूवी है वो आए देख लिया आपने ठीक है उनका भी एक स्ट्रगल रहा है तो उसके स्ट्रगल को देख के आप अपना एक जर्नी तैयार कीजिए ना लोगों के लिए एक ऐसे माहौल बने ये लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ें करें कि लोग बोले कि हाँ इसने किया है मैंने मैं भी कर सकता हूँ है ना यानी आप कह रहे हो कि लोगों आप रोल मॉडल से ज़्यादा लोगों की स्टोरीज से आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं उनकी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं आप राइट हैं। मुझे यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी जो डे टू डे लाइफ में बहुत लोग आपको मिलते होंगे चाहे आपके स्कूल के टाइम ले लो या इवेंट टू डे ऑल्सो जिनके पास सब कुछ है दोनों हाथ बहुत अच्छे हैं पैर अच्छा है ऊपर वाले अमेजिंग दिमाग दिया है फैमिली सुपअप है सब कुछ बढ़िया है बट देन ऑल्सो वो हमेशा रोते रहते मेंटल मेंटली वो डिसेबल है लोगों को जज करते रहते हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते क्या क्या मैसेज है उन लोगों के लिए आ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं हर साल इंदिरा इंस्टीट्यूट जाती हूँ एम बी स्टूडेंट्स वगैरह के वहाँ पे जितने भी बैचेस होते हैं उनको मोटिवेशन स्पीच देने के लिए अच्छा तो एक अच्छा, दिश। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं हाँ मैं हर स्कूल कॉलेज जहाँ भी पॉसिबल होता है जो इनवाइट करते हैं तो मैं जाती हूँ मुझे भी उससे सीखने मिलता है मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ कि ऑन स्टेज आई तो मैंने फटाफट फटाफट चार लाइन बोल दी नहीं मैं सिचुएशन के हिसाब से बोलना पसंद करती हूँ वैसा समझती हूँ पहले फिर मेरा रिएक्शन आता है मैं वहाँ पे भी गई हूँ काफ़ी बार वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जबकि सब फाइनेंशियल हाँ। बेटर ही होंगे तभी ना इंदिरा इंस्टीट्यूट में क्योंकि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है काफ़ी फीस होगी हाँ। तो एक है वहाँ पर जब हम स्पीच देते हैं ना स्पीच हमारे दिन के दो बैचेज होते हैं कभी कभी एक एक हफ्ता मैं वहीं रहती हूँ दिन के दो बैचेस पहले सुबह के एक इवनिंग के तो डेली एक हफ्ता पर जितने भी बच्चे आते हैं ना मैंने सबसे एक ही चीज़ सुनी कि हम अकेले हैं अकेला फील कर रहे हैं कोई दोस्त नहीं है उस वक्त जो उसका फ्रेंड भी बगल में फिर भी वो अकेला है पेरेंट्स घर पे मेहनत कर रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे उनकी फीस भर रहे लेकिन फिर भी वो अकेले हैं क्यों अकेले हैं क्या है बात नहीं करते हम एक दूसरे से बात नहीं करते प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैंने कुछ मेरी चीजें शेयर कर दी तो शुरुआत में फ्रेंड ने सुन लिया लेकिन वो चार दिन बाद या एक महीने बाद वो जज करने, करने लगता है सुबह जज करने लगता है वो गिल्ट वो बोलते है ना वो एक रहता है कि यार मैंने इसको बता दिया तो फिर बाद में ये कैसे रिएक्ट करेगा कैसे सुनेगा मेरी ये प्रॉब्लम सुन के चीजें हैं अगर आप दोस्ती यारी में ही जितना बता सकते हो उतना अब किसी से शेयर नहीं कर पाओगे तो फ्रेंडशिप भी ऐसा एक रहो रखो कि आपको जब तकलीफ हो तो आपसे वो तकलीफ आने से पहले आपका फ्रेंड आपके बाजू में खड़ा हो कुछ नहीं उसके पास भी लेकिन खड़ा वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते क्योंकि आज हम ऐसा खुल के नहीं जीते अपनी मर्जी से नहीं कुछ नहीं पेरेंट्स ने बता दी ये करना है वो हिसाब से जी रहे बट जब एक समझ में आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो फील होता है क्या हो रहा है और डायरेक्ट बोल नहीं पाते पेरेंट्स को उनके आगे जाने के लिए उनको डर लगता है बात करना बहुत जरूरी है भले पेरेंट्स से करे दोस्तों से करे लेकिन करे अपनी प्रॉब्लम को दूर हटाने की कोशिश करे क्योंकि जितना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना उतना अच्छा ग्रोथ भी होगा हाँ। हम डिस्कशन नहीं करते बात नहीं करते और उसकी वजह से डिप्रेशन पड़ते आज आप आप देखोगे ना अगर जो सेकेटिस वगैरह है जो लेते हैं उनके पास केसेस बहुत होंगे आज के टाइम में आज लोग इस चीज पे बात भी so, करते हैं पे। जब बातें नहीं होती है तब डिप्रेशन बढ़ता है। राइट right, जब आप खुल के किसी से भी बात नहीं कर, करते हो सो so बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है हमारे फ्रेंड्स आके हमसे खुल के बात करना चाहते भी हैं, बट बहुत लोग बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद जज करने लगते हैं है। ऐसा you know, है तो ऐसा है इसने ऐसा बोला तो उसके पीछे के सीन उसकी पीछे की बातें हम ढूंढने लगते हैं और और बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग फिर आगे आपसे बात करना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से मेंटल वो भी एक डिप्रेशन आप जो कह रहे हो इसलिए अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहिए प्रॉब्लम्स तो आनी है कभी नहीं आएगी जब तक जिंदा है तब तक तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है अगर हम खुद फाइट नहीं करेंगे खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे वो कभी सोच नहीं होगा कोई मैं आपकी रील देखती हूँ ना आपकी कितना हंस के और खुल एकदम खुले दिल से आप लाइफ को जीते हैं आपके इतने चैलेंजेस है बट देन आल्सो चैलेंजेस से ऊपर आपने आ, अपनी हैप्पीनेस को रखा हुआ है मैम कैसा था ना जो मेरे इतने टाइम इतने साल जो चले गए ना मैंने बहुत अलग लाइफ है पर अभी मैं जो हूँ ना वो बहुत अलग हूँ और मुझे ये लाइफ जीनी है इस लाइफ को और अच्छे से ये करना है मुझे वो पुरानी लाइफ नहीं चाहिए बट ये लाइफ में मैं इतना अच्छा ग्रोथ भी करूँ लेकिन वो एक खुशी होती है ना वो फील वो मैं ढूंढती हूँ वो मैं वैसा बिहेव भी, भी करती हूँ वैसा है So, आप जैसा वो कहते हैं ना आप जैसा बिहेव करते हो वैसी और ज्यादा चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो है ना आप, आप ये भी करते हो आप ड्रीम देखते हो या एनी एन विजुअलाइजेशन करते हो आ, ये आप करते हो आ, नहीं एक्चुअली ड्रीम तो कुछ भी आते हैं मुझे ऐसा अच्छा। 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 कोई पिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ स्पेशली हाँ पर रियल सपना एक ही है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतू ये एक है एक सपना था पहले बचपन में कि मैं फौज वगैरह में जाऊँ पर डिसेबिलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं बट जब वो सपना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था लेकिन जब स्पोर्ट्स में आई ये चीज़ें पता चली कि ऐसा ऐसा है हम स्पोर्ट्स में भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते तो वो मुझे एक बहुत अमेजिंग लगा कि भगवान ने मेरे रास्ते सारे बंद किए थे बट मुझे एक रास्ता ऐसा मिला कि वही सपना मैं यहाँ पूरा कर सकती हूँ अब वो मुझ पर डिपेंड करता है मैं कितना एफर्ट डालती हूँ So, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं तो दे आर कन्फ्यूज कि हम करें क्या और आप कह रहे हो आपके पास बाकी सब रास्ते बंद हो चुके थे ये एक ही रास्ता था जिसने आपको पूरी तरह बदल के रख दिया है ना मुझे आप ये जानना है कि जो डे टू डे लाइफ में जब आप फील्ड में जाते हो आप लोगों को मिलते हो स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैम पहले तो एक योगा काफी बेटर है योगा करते हो आप हाँ मैं योगा करती हूँ okay. लॉकडाउन में मैंने बहुत योगा किया okay. तो वो एक माइंड स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है ग्रोथ भी होता है उसमें और दूसरा जब मुझे लगता है मेरा माइंड डाइवर्ट होने वाला है या जा कहीं जाने वाला है तो पहले टिकटॉक चलता था वह रील्स देख लेती थी फनी वाले थे तो मैं भी हैप्पी अच्छा तो वैसे अपने आप को हैप्पी रखना अलग अलग जरिया ढूंढते हैं बस इतना ही है okay. ताकि उस पर माइंड पे भी कंट्रोल होता है उससे अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कहीं जा रहा है तो हम वो चीज़ करें हमें जो ज्यादा बेटर लगती है जहाँ खुशी मिलती है खुशी मिलती है फिर भले वो चेस खेलना हो कैरम खेलना हो या जो ज्यादा जिससे खुशी मिलती हो बाहर घूमना हो वो चीज कभी कभी मैं भी बहुत आ, फ्रस्टेड हो जाती हूँ डेली डेली वो ही रूटीन में तो कभी कभी मैं भी दो तीन दिन, दिन के लिए भाग जाती हूँ कहीं पे आराम से जाके बस बैठना अपने से ही बात करना अपने से ही तो आपको अपने अपने आप के साथ रहना पसंद आता है कभी कभी अपने आप को ढूंढना जरूरी है हम सबके बीच में अपने आप को खो देते हैं बीच बीच में तो वो प्रेशर आने लगता है ना और प्रेशर आएगा ना तो कैसा होता है कि हम फिर बाकी चीजें बराबर नहीं कर पाएंगे फिर हर चीज गड़बड़ होती रहेगी अगर उसको स्टेबल में रखना है तो थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना जरूरी है भले वो जैसे दे रहे हो वैसे दे रहे हो जिनको जो खुशी मिलती हो ओके सो एज अ वेल्दी आप हमारे ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहोगे मैं तो एक ही बोलूँगी ऑलवेज गिव अप क्योंकि गिव अप करना आसान है नेवर गिव अप करना सोचते हैं सब क्योंकि अगर आगे बढ़ना है प्रॉब्लम्स आएगी कभी नहीं है ऐसा नहीं आएगी उससे फाइट करके कैसे आगे बढ़ना है वो इम्पोर्टेंट होता है ओके okay. तो उससे फाइट करें आगे बढ़े लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए बस हम ढूंढते नहीं हैं देखते नहीं हैं mm -hmm. अगर आप, आपका ध्यान गया आपने देख लिया या बस एक बार दिल में आ गया हाँ ये है करना है तो बस उस पर चलते जाओ होना ही होना है वो ओके okay. सो so, आप कह रहे हो अप नहीं सिर्फ Never give up, ये attitude होना चाहिए, राइट एंड आपने अपना मंत्रा ये बनाया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप गिव अप नहीं करोगे राइट ऑप्शन ही नहीं है ना मैम <laughs> मेरे उ... पास तो ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन अगर देखो अनु ऑप्शन की बात तो ऐसी है ना कि आ, मुझे आज आपसे बात करके लग रहा है कि जितने ज्यादा ऑप्शन है ना लोगों के पास उतने ज्यादा इश्यूज है जब आपको मालूम है आपके पास एक ही दरवाजा आपके पास सामने खुला हुआ है तो आप क्लियर हो कि भाई मुझे यहाँ जाना है और वो दरवाजे को ढूंढना समझना और अपना हंड्रेड परसेंट वहां देना वो एक, एक बहुत क्लैरिटी लेके आता है लाइफ के प्रति एंड आपकी अब से बातें करने के बाद यू you नो know, मुझे मुझे बहुत सारी चीजें जो समझ में आई जो बहुत सारे लोग आज आजकल नहीं ध्यान देते हैं जैसे कि आपकी संगत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है जितने सराउंडिंग में भले पांच हो लोग आजकल सोशलाइजिंग के तौर पे जाते हैं कि मेरे ये सोफिस्टिकेटेड फ्रेंड्स ये वो वो बट आप आपके पास क्या सच में ऐसे दोस्त हैं जो आपको आधी रात को ज़रूरत हो तो आपके पास आके खड़े रहें वो आपकी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाता है और, दूसरी चीज़ मुझे जो आज आपसे बात करके पसंद आई कि जो लाइफ में मैं पहले जीती थी ना मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है वहाँ से आगे जाना है और बहुत लोगों को इंस्पायर करना है वो लाइफ में जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट रही आपकी जर्नी बट आई एम श्योर आप गोल्ड मेडल ज़रूर हमारे इंडिया के लिए लेके आओगे ले आओगे करो मैं आप ज़रूर लेके आओगे आप आप जो भी कहते हैं ना जो भी आपके माइंड में होता है वो सच होता है ज़रूर आपने जैसे फेंस की बात की ना मुझे उस पर एक चीज़ आपसे शेयर करनी है लॉकडाउन में मुझे थोड़ा कैंसर के सिम्टम्स थे उस टाइम पे और लॉकडाउन भी चालू हो गया था कैंसर के सिम्टम्स हाँ लंस में थोड़े इश्यूज चालू थे और घर पे बताने की हिम्मत नहीं थी जब चेकअप वगैरह कराया क्योंकि मेरी मॉम की हालत ऐसी नहीं है कि उसे बता दूँ और घर में बता के भी फायदा नहीं था कि क्वेश्चन से उठता था कि ट्रीटमेंट कौन कराएगा हो क्योंकि डैड के जाने के बाद काफ़ी उनके ऊपर लोन वगैरह हो गया काफ़ी बटन काफ़ी पैसे से, सेविंग बची ही नहीं थी तो मुझे उनको ये सब चीज़ें बतानी नहीं थी मेरे कुछ फ्रेंड्स एक दो लोगों को ही पता था तो उन्होंने हेल्प किया और उन्होंने मुझे उस ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प किया मेरे भी जो सेविंग थी वो भी लग गए बट मैं आज उससे बाहर हूँ और मैंने किसी से नहीं बताया इनफैक्ट कोचेस को भी नहीं बताया हाँ उनको थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं थे क्योंकि कैमो वगैरह हुआ था उस टाइम पे तो एक चीज़ें ये थी बोलते ना कि जब मुझे तकलीफ थी ना सब खड़े थे और आज सब खुश है जहाँ पे भी है कोई बाहर है कोई इधर है तो वो बोलते कि हाँ अनु ठीक है ना वहाँ पे बस हो गया वो कर रहे ग्रोथ वो वहाँ से मुझे सबके मैसेज आते रहते हाँ ठीक है अभी मतलब कहीं ना कहीं बिजी है ठीक है तो एक अच्छा लगता है कि मैंने वहाँ पे भी हार नहीं मानी क्योंकि मुझे वहाँ मैं थोड़ा डर गई थी उस टाइम पे मुझे लगा अब हो गया यहाँ पे ही लास्ट टाइम चल रहा है बट तभी खेलने का स्पोर्ट्स मेरा शुरू ही हुआ था ना और ये 2020 में स्टार्ट हुआ मे बी अप्रैल में चल रहा था उस टाइम पे और मैं उस टाइम पे थोड़ा डरी ज़रूर थी पर मेरे दोस्त जो मेरे पे एफर्ट डाल रहे थे ना मुझे वो देख के लगा नहीं मुझे इनके लिए तो अभी करना ही है ना मैं हार नहीं सकती तो मैंने वहाँ पर हारे नहीं बीच बीच में थोड़ा टेंशन होता था माँ को झूठ बोल के जाना पड़ता था फ्रेंड्स के घर पे रहती थी दो दो महीना क्योंकि स्पोर्ट्स का तो कुछ था नहीं तो बस उन्होंने सपोर्ट किया मैं आज ठीक हूँ पूरी तरह से दो साल ट्रीटमेंट को लगे सल्यूट और कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोथ करो आगे भी नहीं। बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा अगर ऊपर वाला आपको हर चैलेंज से बाहर निकाल रहा है ना कुछ बड़ा करने के लिए आप बने जरूर पर हम सबकी ये दो आपके साथ होगी थैंक यू मैम थैंक यू सो मच आज यहाँ वेल वुमनिया में आने के लिए और बहुत अच्छा लगा हूँ आपसे बात करके मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और आई एम श्योर जितने भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे उन लोगों को ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपका जो नेवर अप का एटीट्यूड है वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा थैंक यू थैंक यू सो मच अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और इस तरह के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे हम और ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे थैंक यू सो मच बाय